अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी वजीहा इकबाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अदर वर्क, वेलकम टू अ वेरी ब्यूटीफुल डे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊंगी चीजियस का डिलीशियस पिज्जा। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि हमें जो उसकी जो ट्रीट मिल रही है वो जीजू की तरफ से मिल रही है। हेलो जीजू। जीजू मुझे तो मुफ्ते में खाने में बड़ा मजा आता है, आप बताए आपको खिलाने में कैसा लग रहा है? खिलाने वाले को कैसे कैसा लगता है आप सबको पता ही है। उम्मीद है एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले जी चलते हैं और हम एंजॉय करते हैं, मेरे साथ रहे इसको, चलते हैं। चलो 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 चलो, टंग 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 टंग। हमारे घर के एंट्रेंस है, उसामा आ चुका है, मजा आने वाला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने जैकेट क्यों पहनी हुई है। मौसम सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही है, हमने सर्दी को कहा है रमजान कर ईद कर आराम से जाए, फिर से सर्दी चली जाए बेशक। तो लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गया कि बाइक पे कौन जाएगा और कार में कौन जाएगा। यार ये पेट्रोल ही है ना। Okay. A few moments later. Hey guys, हम पहुंच गए हैं चीजियस, तो मैं आपको चीजियस एक्सप्लोर करवाती हूँ। सुनो जल्दी करो। कश्यप का ये इसकी बाहर से एंट्रेंस है, थर्ड फ्लोर पे है। यार ये इतना प्यारा वेलकम। हाँ इट्स अमेजिंग। चलें जी गाइस, अब हम चलते हैं ऊपर। डेकोरेशन बहुत प्यारी की हुई है, आप सब लोग देख सकते हैं। इट्स अमेजिंग लुक। बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ये पोर्शन बनाया हुआ है ऐसे। चलें ऊपर चलते हैं, हम थर्ड फ्लोर पर जा रहे हैं। चलो जी हम पहुंच गए हैं थर्ड फ्लोर पर और आप ये देख सकते हैं इसका नीचे का सारा। हम जी जिससे किस चीज़ की ट्रीट ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जीजू की प्रमोशन हुई है, तो हमने कहा कि हमने तो चीजियस का यहाँ पिज़्ज़ा खाना है क्योंकि मेरा तो फेवरेट है चीजियस। हाँ जी जीजू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माशाल्लाह कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी प्रमोशन हुई है। बाकी बस अपनी जो आपकी सैलरी है ना जो बढ़ी है थोड़ी सी, उसमें से मुझे 2% देते रहिएगा। मैं आपको पूरे ब्लॉग्स में देती हूँ। ठीक है ठीक है, ओके मुझे तो जो चीजियस का जो पिज़्ज़ा है उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा पसंद, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे जो से पूछते हैं कि आपको क्या चीज़ पसंद आई है, मुझे तो जो है इसका जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो इस वजह से यहाँ पर आती हूँ, लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ कि यहाँ पर आएँ अगर आप पिज़्ज़ा यहाँ का ट्राई करें। आपको यहाँ पर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा स्पेशल लगती है? देखिए सबसे पहले तो उनका इन्वायरमेंट, ठीक है, सर्विसेज और फिर पिज़्ज़ा का टेस्ट। लेकिन जो मुझे यहाँ पे स्पेशल लगता है ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप भी पहले गए होंगे काफ़ी बार रेस्टोरेंट में। जी जी, जो इनकी सबसे अलग चीज़ है वो है इनका ही देखने में,
ये जितना भी कटलरी सेट सिस्टम है ना कवर्ड है ये मतलब ये चीज़ें कवर्ड होती हैं अक्सर रेस्टोरेंट्स में ये किसी तरह के मोस्टली ये इनके ओपन मिलती है बिल्कुल कवर्ड है हर चीज़ जो कि खाने को आपको हाइजीनिक बनाता है आप खाना खाएं लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी होना ज़रूरी है हाइजीनिक होना ज़रूरी है सफाई का सबसे पहला ख्याल घर हो या बाहर तो आपको सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है इसलिए मेरी सबसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट चीज़ यहाँ पर ये रखता है बहुत ज़्यादा अच्छी हैं इनकी डिलीवरी होंगी ना मैं तो फुल रेकमेंड करूँगी आप लोग खाएं चीज़ेस और लाजमी इनकी जो डील्स हैं वो लाजमी सब कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस किस सिटी से आप लोग मुझे देख रहे हैं और किस किस सिटी में चीज़ेस की ब्रांचेस हैं ताकि हम वहाँ पर भी आए और जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस यहाँ पे जाकर कौन सा कहने से खरीदता जनरल टिकट का मुझे तो इनकी सर्विस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा फास्ट है और आपका जो टाइम है ना वो वेस्ट नहीं होता आप ऑर्डर करते हैं वो फटाफट आ जाता है वो टाइम है 20 मिनट्स इज टू मच बहुत मुश्किल होता है हमारी कोल्ड ड्रिंक आ गई है मैं आपको बताती चलूँ ग्लासेस को हम कितनी मर्जी बार रिफ़िल करवा सकते हैं और इनके पास ओपन होती है दिस स्प्राइट पसंद है मैं स्प्राइट लूंगी जीजू के हिस्से का तो आ गया उसामा हिस्से का पिज़्ज़ा है भाई उसामा के हिस्से का भी आ गया और जीजू के हिस्से का भी गया सिर्फ जीजू का उसामा को जीजू चीटिंग नहीं करनी नहीं बिल्कुल भी नहीं पिज्जा में चीटिंग अलाउ है अलाउ है होती है अच्छा ये देखें जी जो बड़ा पीस है वो अपने लिए रख लिया ये वापस कर लिया टैट्स हाँ जी तो कैसा लग रहा है पिज़्ज़ा अभी टेस्ट करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसा है ये स्माइल मेरे फॉलोवर्स के लिए जो मुझे फॉलो कर रहे हैं ए फ्यू मोमेंट्स लेटर थैंक यू सो मच जीजू आपने ट्रीट दिया वेलकम पापा आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दे फैमिली से पूछते हैं आपको यहाँ का कैसा लगा टेस्ट जी तो फैमिली आप लोगों को कैसा लगा टेस्ट ऐसा फुली रिकमेंडेड है या नहीं अच्छा जी फुली रिकमेंडेड नहीं है रिकमेंडेड है यहाँ का जो फजीता और टिक्का है वो सो सो है अच्छा जी इसमें लिफ्ट्स लगी हुई हैं लेकिन हम लिफ्ट से नहीं जाएंगे हम जाएंगे स्टेयर से चलें चलें लेट्स गो इनका जो लाइट्स का थीम है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है बहुत ही लाइट मध्यम सा येलो लाइट्स रखी हुई हैं नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ?
घर पहुंच गए हैं। ऊपर चलते हैं। हम घर आ गए हैं। वैसे तो हम हमेशा से चीजें स्पेशल खाते हैं, लेकिन इस बार हमने ट्राई किया है एक न्यू फ्लेवर, चिकन टिक्का और चिकन फीता। लेकिन मुझे उसका टेस्ट इतना ज्यादा मजे का नहीं लगा। मैं मार्क दूंगी 7 out of 10 और मैं रेकमेंड करूंगी कि आप जब भी चीजें जाएं तो वहाँ का जो स्पेशल है वो ही ट्राई करें। मैंने आपको चीजें एक्सप्लोर करवाया है। और मेरे चैनल पर नए और मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। और जो मेरे चैनल पर पुराने और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।